मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के इलाके रामगंगा विहार सोनकपुर स्टेडियम के पास डबल स्टोरी निवासी एक नवविवाहिता की मारपीट कर व गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उस समय मृतक महिला 33 वर्षीय संगीता के पति धर्मप्रीत ने पुलिस को बताया था कि बीवी ने आत्महत्या कर ली है। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गजेंद्र सिंह ने जब इस आत्महत्या के मामले में और शिकायत पर जांच की तो उसमें सच्चाई सामने आ गई। सिविल लाइंस द्वारा मददगार चंदन सिंह की तहरीर पर पति के खिलाफ दहेज हत्या की धारा 498 के साथ 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मददगार चंदन सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ माह पूर्व दो अनाथ बहनों में से एक संगीता को धर्मप्रीत अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी कर यहां अपने घर ले आया था, लेकिन आए दिन वह संगीता के साथ मारपीट करता रहता था और एक दिन उसकी गला घोटकर हत्या ही कर डाली। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने एक अनाथ युवती की मौत के बाद ये मुकदमा दर्ज कर उसकी आत्मा को शांति देने का काम किया है। मृतक महिला के दो बच्चे भी बताए जाते हैं। कल मैंने करवाया था 6 तारीख को। अच्छा, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ऐसा है, 4 तारीख को एक घटना हुई थी। एक सरदार जी ने अपनी पत्नी को मार दिया जान से। कहाँ हुई थी घटना? ये EWS रामगंगा बिहार फेस वन में। अच्छा, तो इसको जो है ये ले गए सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा। तो उसको छोड़ के आ गए वहाँ से, भगिया है माँ उसकी, कुछ मन बुद्धि की सबकी है, और जो उसको बार बार छुटाती है, पहले भी 376 के केस में जा चुका है ये अपहरण के केस में जेल, एक लड़की को जो है उठा के ले गया था ये, तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई थी पुलिस ने करी, इसी बेल हो गई थी, तो ये बार बार छूट जाता है, इसकी वारंट भी हुए थे पहले, तो ये आपे से बाहर निकल चुका है ये। अब कैसे पता लगा कि उन्होंने हत्या कर दी है? ये ऐसा है, वहाँ सब पता चल गई, मैं वहीं पर रहता हूँ, तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपे से बाहर निकल चुका है ये लड़का, खुले हुए सांड की तरह है ये, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, बाप को भी बहुत बुरी तरह मारता है ये। क्या वजह थी, क्यों मारा इन्होंने पत्नी को? कुछ नहीं, मतलब जो है वो गरीब घर की थी, पंजाब की रहने वाली थी वो, इसकी बहनों ने इसकी शादी करवा दी थी सन 2018 के आसपास में, यहाँ तो गरीब घर की थी वो, उसकी कोई सुनाई बुनाई कोई सुनने वाला नहीं था, कोई ऐसी लड़की नहीं थी, वो साफ सुथरी लड़की थी, वो गंदे से नेचर की भी नहीं थी, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं उसकी, एक 2 साल की लड़की है, एक 3 साल की है। तो उन घर वालों ने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं, उन्हें सूचित ही नहीं करा, किसी को रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं आया, किसी को सूचित नहीं करा, तो पुलिस की तो अच्छा ही रहेगी, उसमें क्रियाक्रम वगैरह मेडिकल वगैरह सब पुलिस ने करा उसका।